नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, आप सभी ने सुबह यह न्यूज कटिंग बहुत तेजी से वायरल हर जगह देखी होगी। एक बार पुनः आप सभी के मन में आस जगी होगी कि हाँ, सरकार अगर भर्ती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है तो क्या यह दावे आपके पुनः उसी तरीके से खोखले हो जाएंगे जो कि पहले भी देखने को मिला। लेकिन इस बार जो आज आपकी सुबह यह तमाम न्यूज पेपर में यह खबर चल रही थी, जिसमें यह कहा गया कि अपने यहां प्रदेश भर में जब बात की जाए तो राजस्व विभाग में 11,000 से अधिक रिक्त पदों पर जो है भर्ती के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा एक तरीके से आदेश दिया गया। इनके अधियाचन विभागों से संबंधित आपकी जो संस्था है यानी UPSSC है उसको भेजे जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया। तो इस बात की कितनी ज्यादा सच्चाई है, इस बारे में अभी अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आपकी प्रेस सूचना जो है विभाग के द्वारा एक आपका जो है आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया कि आपके यहां जो रिक्त पद हैं उनका जल्द से जल्द अधियाचन भेजिए। साथ ही साथ एक बड़ी चीज इस बार यह की गई है कि नए रिक्त पदों के सृजन की भी बात कही गई है जो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा था। इसमें जब हम बात करें, जैसे इसमें आपने देखा था कि सीएम योगी ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, लिपिकीय संवर्ग के जो है पद के भरने को लेकर पदोन्नत प्रक्रिया भी इसमें जो है शुरू करने को लेकर के कहा था। अब इसमें कई ऐसे हैं जो भाई क्या होते हैं जो पदोन्नत के माध्यम से भरते हैं, कई ऐसे हैं जिन पर डायरेक्ट भर्ती होती है। इसमें सारे पद ऐसे नहीं जिन पर डायरेक्ट भर्ती होती है। साथ ही साथ इसमें यह बोला गया था कि इसमें बंदोबस्त जो निदेशक प्रशिक्षण है इनका भी पद होगा, बंदोबस्त आयुक्त का, नगरीय व ग्रामीण के भी पद आपके सृजित होंगे। इसमें अगर मैं बात करूं तो राजस्व विभाग में आपके टोटल 49,077 पद इस समय स्वीकृत हैं अपने यहां, और साथ ही साथ इसमें देखेंगे तो 37,798 पद भरे हुए, यानी बाकी जितने होते 11,279 पद ये इस समय रिक्त होते हैं। अभी आपने देखा लेखपाल का रिजल्ट आया, लेखपाल के रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो उनके लिए भी अधियाचन उन सभी का देख लिया जाएगा, समय सीमा पूरी हो जाएगी, उसके बाद लेखपाल की एक नई भर्ती आपको UPSSC से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें जब हम बात करते हैं, जैसे लेखपाल के लगभग 7,000 पद, साथ ही साथ राजस्व निरीक्षक बहुत दिन से आपकी ये भर्ती नहीं आई है, ठीक है, यह भी देखने को मिलेगी। कानून के 1200 पद हैं, इसके भी विज्ञापन की चर्चा जो है अधियाचन इसका पहुंच चुका था UPSSC के पास, कुछ चीजें उसमें रह गई थी इस वजह से यह रुका हुआ है, इसका भी विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। नायब तहसीलदार NT की बात करें, कनिष्ठ लिपिक की बात की जाए 2000 पद, अभी तक यह बहुत दिन से रुका हुआ पड़ा, यह भी है काफी दिन से सुनाई दे रहा, तो यह भी देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके परिप्रेक्ष्य में क्या सच्चाई है, तो सच्चाई के लिए मैं आपको बताऊं, आज जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये बातें कही गई थी इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री सूचना परिषद है, ठीक है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, इसके द्वारा क्या किया गया, मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के कार्यों तथा उपलब्ध मानव संसाधन की समीक्षा, ठीक है, राजस्व विभाग और राजस्व परिषद में काम के बदलते स्वरूप और अधिकता को देखते हुए दक्ष युवाओं की तैनाती की जाए, ऐसा मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था। इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन से पद के सृजन की चर्चा की गई है, जैसे लेखपाल हो गया, राजस्व निरीक्षक हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग के सभी रिक्त पद, तो यानी एक जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी आपको देखने को फिर मिलने वाली है। जूनियर असिस्टेंट 1262 एक आपका टाइपिंग वाला होना ही है, 5,000 वैकेंसी एक आपकी चल ही रही है, एक इसके लिए स्पेशल आपको जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जब हम बात करते हैं, जैसे तहसीलदार की बात हुई, राजस्व निरीक्षक की हुई, इन पदों के लिए जहां पदोन्नत लंबत है, भाई ये दोनों पद आपके पदोन्नत के माध्यम से भरे जाते हैं, राजस्व निरीक्षक और आपका तहसीलदार, तो उनकी प्रक्रिया आपकी तत्काल तौर पर जो है पदोन्नत करके इन पदों को भरा जाए। साथ ही साथ ये बोला गया कि नवीनतम तकनीक को अपनाने के लिए तहसील, जिला, मंडल और राजस्व परिषदों में IT में दक्ष लोगों की तैनाती की जानी चाहिए, ठीक है, यानी टेक्निकल पोस्ट भी अब आपकी आ सकती हैं, क्योंकि इसमें बात कही गई है कि ऐसे पदों का सृजन किया जाए। साथ ही साथ ये बोला गया है कि जब जो है बात होती है यहां पर कि जैसे मुख्यमंत्री ने क्या बोला, मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्ष युवाओं को, ठीक है, तहसीलदार के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, इन पदों पर पदोन्नति होनी है, ये लंबित पड़े हुए पद हैं, इनके लिए भी बोला कि भाई इनको जल्द से जल्द आप करिए। साथ ही साथ इन्होंने आगे क्या बोला है मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ना केवल विभाग के रिक्त पदों
पर नई नियुक्ति आवश्यकता है, बल्कि मुख्यमंत्री ने बोला कि नवीन पदों का सृजन भी किया जाना चाहिए। मतलब काम का जो दबाव पड़ रहा, इस दबाव में यह भी हो सकता है कि जितने पद अभी तक बने थे सिर्फ उन्हीं पदों पर रिक्त जो रह गए उन्हीं पर भर्ती नहीं, नवीन पदों का भी सृजन होगा। यह चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेगा। साथ ही साथ यह भी बोला गया है कि राजस्व परिषद के अंतर्गत जो बंदोबस्त आयुक्त होते हैं ग्रामीण और नगरीय, ठीक है, निदेशक जो प्रशिक्षण होते हैं, इनका भी नवीन पद जो है सृजित करने की आवश्यकता बताई। ये तीन नए पद भी बनेंगे इसमें, अदर तो पद बनेंगे ही बनेंगे, टेक्निकल काफी ज्यादा, साथ ही साथ नए पदों का भी सृजन देखने को मिलेगा। इसके लिए इन्होंने बोला है कि भाई और नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए तहसील, जिला मंडल और राजस्व परिषद में आईटी में दक्ष लोगों की तैनाती की जानी चाहिए। यानी हो सकता है कि आईटी से स्पेशल आपकी कुछ पोस्टों जो है पद बनाए जाएं, उन पदों का सृजन किया जाए और फिर उनकी वैकेंसी आपकी जारी की जाए। तो कई तरीके के नई नवीन पदों का सृजन हो सकता है। राजस्व निरीक्षक में ये कोई बात अब जो है नई नहीं है, काम का बोझ बहुत ही ज्यादा होता है, इस वजह से अगर नए पदों के सृजन की बात कही गई है तो यह पूरी संभावना बनती है कि नए पद भी आपके सृजित होंगे, उनकी भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के कर्मियों को प्रायः फील्ड विजिट करना पड़ता, तो लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को वाहन भत्ता दिया जाएगा। जो नायब तहसीलदार है एनटी है, इनकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी के लिए चार पहिया वाहन दिया जा रहा है। जीपीएस से संबंधित राजस्व कार्यों के लिए बेहतर संपादन के लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों को टैबलेट भी दिए जाना। तो यह चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेगा, यानी आगे जो आपकी कोई भी वैकेंसी होती है, चूंकि आप सारे लोग जानते हैं इसकी सभी वैकेंसी आपकी किसके द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होगी, ठीक है, ये सारे पद आपके यूपी ट्रिपल एससी के होते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी में एक चीज आपने देखा होगा, ठीक है, पीटी के माध्यम से इन पदों का जो है भरा जाता है, तो पहले पीटी की आपकी अर्हता होगी फिर होगी। साथ ही साथ जितने भी आपके पद बन रहे हैं सभी पदों में आप देखिए, जितने पदों की जो मुख्य परीक्षा के लिए आपका पाठ्यक्रम जारी हो रहा है, दो चीजें नहीं जोड़ी जा रही, एक तो यूपी स्पेशल सभी में आपका कॉमन कर दिया गया है 20 नंबर के प्रश्न, और दूसरी चीज आपकी कॉमन कर दी गई है वो है कंप्यूटर, ठीक है, इन दोनों के आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपको संस्था के ही चैनल पर, ठीक है, जो है संडे बेसिस पर बीच बीच में स्पेशल क्लासेस लगातार दी जाती हैं, साथ ही साथ तमाम बैच पहले से ही चल रहे हैं। यह भी पद आपके जो है लेखपाल की अगर बात की जाए तो लेखपाल के बैच आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, उनको लेकर जल्द ही एक आपका बैच होगा। साथ ही साथ अन्य कोई भी इस बारे में जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि इसके पद भी सृजन है, जैसे राजस्व जो है लिपिकीय संवर्ग का हो गया, उसके लिए भी आपको नवीनतम क्लासेस उपलब्ध कराई जाने जो है शुरू कर दी जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो संस्था पहले से ही आपको निःशुल्क प्रदान कर रही है, मार्गदर्शन कर रही है, जो 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 है चले रहे आपके एक तरीके से भर्तियां हैं, जैसे बीपीओ हो गया, बीपीओ के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट हो गया, इन सभी के सिलेबस के अनुरूप आपको चीजें दी जा रही। साथ ही साथ नए जैसे लेखपाल का जो हो गया, लेखपाल का भी बैच आपका बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी अन्य जो चीजें हैं, ठीक है, लिपिकीय संवर्ग को लेकर जैसे आईटी वाली चीजें आई, तो आईटी भी संवर्ग में जो भी पदों का सृजन होगा उसके जो है संभावित सिलेबस को देखते हुए जो आयोग के द्वारा सिलेबस जारी किया जाएगा उसको लेकर के भी आपको कई चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ एक उम्मीद लेकर के, एक आशा लेकर के अपने आप को पुनः आगे बढ़ाइए। कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजों के साथ आपके समक्ष पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।